हेलो गाइस, चौक को पढ़ते हैं। जो चौक मेरे पास क्या है, चौक एक कंडक्टर है। चौक मेरे पास क्या काम करता है, आप लोगों को पता होगा। जो है ना, हमारे मोटरसाइकिल हैं उसका नाम चौक को यूज़ करते हैं, जब पेट्रोल कम रह जाता है कि जी हम लोग जल्दी जल्दी पहुँच जाएँ। तो चौक जो है मेरे पास एक थिक कापर वायर से बना होता है, ठीक है। एक बहुत थिक, एक बहुत मोटी कापर वायर से, जो कि अगर आपके सर्किट के अंदर लगा होगा एसी करंट के साथ, तो वो क्या करेगा कि आपकी हीट डिसिपेशन कम होगी। यानी कि हीट जो कॉयल है, देखो ये कॉयल है, इसके अंदर जो है मेरे पास आयरन लगा हुआ है, सॉफ्ट आयरन, ठीक है। ऊपर से आयरन भी है तो रेजिस्टिविटी तो है ही नहीं, बहुत कम है। तो ये क्या करता है, जितनी भी जो भी कॉयल होती है उसके अंदर, तो पहले जो है हमारे पास जो करंट होता है वो बहुत आराम आराम से फ्लो करता है ना, इस तरह जो है ना उसको होता है। इस तरह हो तो जल्दी जाएगा, इस तरह हो तो कम जाएगा। तो वो जो बाकी हीट वगैरह होगी वो आयरन के अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो ये क्या करता है, पावर को हीट में नहीं कन्वर्ट करता, मगर उसको क्या करता है कि रेजिस्टिविटी देता है। लेकिन वो किस तरह देता है कि वो आराम से जाता है, हीट में कन्वर्ट नहीं करता उसको, ठीक है। तो ये था मेरे पास चौक। तो चौक मेरे पास इस तरह यूज़ होता है, एंड चौक मेरे पास मुख्तलिफ और जगह पे यूज़ होता है, यानी कि इन्वर्टर सिग्नल को घुसने के लिए भी। हमारे पास जो है वो एक और चौक यूज़ होती है, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी चौक है। एंड वो क्या करती है कि हमारे अंदर जो है ऑडियो फ्रीक्वेंसी के अंदर सूर आने से रोकती है। तो ये चौक कॉइल का एक फंक्शन था, एंड ये मेरे पास एसी में यूज़ होता है, ठीक है। क्योंकि एसी में यूज़ होता है, मोटरसाइकिल भी एक एसी है, एसी उसके अंदर उसका लगा है इंजन, ठीक है। तो चौक जब भी आप लगाते हैं ना, तो आप बाइक को तेज़ नहीं चला सकते, बिकॉज फिर आपको हीट जो है वो नहीं हो रही होती। सो वो कितनी देर तक आखिर ये करता रहेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज यूज्ड एक्चुअली टू दिस चौक कॉइल।